के बच्चों के पढ़ने की सुविधा है ही नहीं। स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी ही है। 40,000 करोड़ रुपया हर साल आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्च किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। गुरुवार को मध्यान्ह भोजन में कीड़े मिलने की वजह से 125 बच्चे बीमार पड़ गए। ये खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया के नरवल बरवल पंचायत के एक सरकारी स्कूल से सामने आई, जो खबर काफी ज्यादा आग की तरह पूरे बिहार में फैल गई है। और अब इसे लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए आपको सुनाते हैं। आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा है ही नहीं। आपका बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो सरकारी स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भैया जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसके बच्चों का भी भला नहीं हो सकता है। ऐसे की स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी ही है, तो वहां से कैसे बचिएगा। तो आपके बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है। इस राज्य में, गरीब राज्य में, आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, याद रखिए 40,000 करोड़ रुपया हर साल आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्च किया जा रहा है। और आपके बच्चों को कुछ पढ़ाई नहीं मिल रहा है, उसको खाली खिचड़ी या साइकिल मिल रहा है। तो आपका पढ़ाई आपके पास है नहीं, तो खेती करके आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है, उसको समझिए। तो बिहार में जितने लोग रहते हैं, आपके गांव में भी जितने लोग रहते होंगे, 100 में से 60 आदमी के पास एक धूर जमीने नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। वहीं उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य भी 40,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च कर रहा है, लेकिन स्कूल में सिर्फ कीड़े वाले भोजन और साइकिल ही मिल रहे हैं बच्चों को। ये कहना था प्रशांत किशोर का। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।